आपने हमारी प्रीवियस वीडियो में देखा कि मैंने 1100 डायमंड खर्च कर दिया एंड मुझे सिर्फ 1100 डायमंड में कोबरा बंडल को निकालने के लिए 3 ही एग टोकन मिले हैं, जबकि हमें कोबरा बंडल को क्लेम करने के लिए 5 एग टोकन चाहिए। तो गाइस 1100 डायमंड हमारे खर्च चुके हैं एंड आप लोग यहाँ पर देख सकते हो मेरी आईडी में है 300 डायमंड और, जो कि मैंने आज एक एयर ड्रॉप से निकाल लिए थे, मतलब 180 रुपये की एक एयर ड्रॉप आई थी तो वो मैंने परचेज कर लिए थे, उसमें मुझे 300 डायमंड मिले थे एंड 300 डायमंड आप लोग देख सकते हो मेरी आईडी में है। तो गाइस आज की इस वीडियो हम देखते हैं कि 300 डायमंड में हमें ये एग टोकन मिल जाएंगे कि नहीं दोनों के दोनों, एंड उसके बाद हम अपना कोबरा बंडल निकाल लेंगे। और गाइस अगर आप अपनी फ्री फायर आईडी में बिल्कुल फ्री में डायमंड लेना चाहते हो तो उसके लिए मैंने एक एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, लिंक पर क्लिक करके आप बिल्कुल फ्री में अपनी फ्री फायर आईडी में डायमंड ले सकते हो। और फ्री में कोबरा बंडल निकालना चाहते हो तो उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बना दिया, कल आप उस वीडियो को जाके जरूर से देख लेना, आपको उसमें पूरा प्रोसेस पता लग जाएगा कि फ्री में कैसे निकाल सकते हो आप कोबरा बंडल। तो चलिए गाइस अब देखते हैं कि हमारे 300 डायमंड के स्पिन करने पे यहाँ पे 2 एग टोकन मिलते हैं कि नहीं। तो यार सबसे पहले यहाँ पे मैं करने वाला हूँ अपना कैरेक्टर चेंज, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा कैरेक्टर जो हमारा मैटर करता है स्पिन करने में। तो यहाँ पर मैंने एडम ले लिया एंड चलो लक रॉयल में चलते हैं। और सबसे पहले यहाँ पे हमें 2 एग टोकन चाहिए, जो कि बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैंने कई लोगों का देखा है 4000 डायमंड खा चुके हैं, मतलब ये फ्री फायर वाले, और तब भी यहाँ पे लास्ट का जो एग है ना वो निकल नहीं रहा है। तो यार मैं कई लोगों का मैंने सजेशन लिया, कह रहे थे कई लोग कि भाई जब ये इवेंट जाने को होगा तब हम यहाँ पे स्पिन करेंगे, क्योंकि यार उस टाइम बहुत कम लोग जो है कोबरा बंडल के उंगली कर रहे होंगे तो जल्दी निकल सकता है, मतलब कम डायमंड खा सकता है। तो चलो यार यहाँ पे हम ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या होता है। वैसे मैं इसमें यार रोजाना 200, 300, 500 डायमंड तो खर्च कर ही रहा हूँ, कोई बात नहीं, पर यार निकलना चाहिए बंडल और क्या चाहिए बस। तो यार यहाँ पे आप लोग देख लो, हम कोई भी यहाँ पे 20 का स्पिन नहीं मारेंगे सीधा, यार मैं यहाँ पे 90 का स्पिन मारने वाला हूँ एंड आप लोग देख सकते हो मेरे पास है 310 डायमंड, तो हम यहाँ पे इजीली 3 स्पिन मार सकते हैं 5-5 के। तो चलिए ट्राई करते हैं, सबसे पहला स्पिन मारते हैं 90 का एंड मिल जाए तो बेटर है यार। सेट क्यों नहीं मिलता पता ही नहीं यार, यार ये बहुत बुरा है जब लास्ट के 2 एग टोकन ले जाते हैं ना तो बहुत बुरा लगता है, क्योंकि यार यहाँ पे आपके बहुत ज़्यादा डायमंड खाने वाला है। और यार वेस्टेज आइटम को अगर आप एक्सचेंज करते हो तो मुझे तो अभी तक कुछ मिला नहीं है एंड यार मैंने कई लोगों की वीडियो देखी उनको तो मिल रहा है वेस्टेज आइटम में। और ये भाई देखो यार कितना सा रह गया, 2 पॉइंट और खिसक जाता है तो यार कुछ चला जाता है पता है नहीं यार। चलो कोई बात नहीं, सेट यार देखो हर बार 2-2 का रह रहा है। चलो अब की बार फिर से मैं यहाँ पे 90 का मारने वाला हूँ, यार निकल जा प्लीज़। सेट सेट बहुत बुरा हुआ, कोई बात नहीं, चलो यार एक 20 का करते हैं देखते हैं, निकल जा यार, नहीं निकला। थोड़ा एक कम करते हैं यहाँ पे, हम कैरेक्टर दूसरा लेते हैं ठीक है, कोई फीमेल कैरेक्टर, चलो मोको ले लेते हैं एंड देखते हैं यार यहाँ पे मैं 20 सॉरी हम एक्सचेंज करते हैं ठीक है आइटम्स को। तो चलो 2 ड्रॉ लेते हैं, अरे यार नहीं मिला अभी यार, बहुत बुरा लगा मेरा तो। यार आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपके कितने एग टोकन रह गए हैं निकलने को एंड आपने कितने डायमंड इन्वेस्ट कर दिए हैं ठीक है, क्योंकि यार यहाँ पे बहुत बुरा इवेंट लगता है मुझे टोकन टावर। और गाइस आप लोग देख सकते हो मेरे पास कुल 110 डायमंड बचे हैं, यानी कि मैं एक 90 वाला स्पिन कर सकता हूँ और एक ओनली 20 डायमंड वाला स्पिन कर सकता हूँ। तो चलो यार यहाँ पे मैं 90 वाला स्पिन किया, लेकिन यार यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मिट्टी पिट चुकी है हमारी, मतलब यहाँ पे भी हमें कुछ नहीं मिला है। चलो यार आइटम्स को एक्सचेंज करते हैं पहले तो, अरे यार मिल जा कुछ यार, इन वेस्टेज आइटम को एक्सचेंज करने में तो कुछ घंटा भी नहीं मिल रहा। सेट यार हट बेकार, चलो अब 20 का ही कर लेते हैं, 20 डायमंड बचे हैं मेरे पास। सेट यार कुछ नहीं मिला, एक काम करते हैं एक बार क्लियर कैसे कर लेते हैं एंड मेरे पास 3 आइटम पड़े हैं, मतलब उन्हें मैं एक्सचेंज कर दूंगा एक स्पिन में एंड देखते हैं निकलता है कि नहीं। मुझे लगता है कि नहीं निकलने वाला है एंड यार मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं मुझे इसमें लास्ट में ही स्पिन करना होगा, क्योंकि जब ये इवेंट जाने का होगा हो सके हमारे कम डायमंड खर्च हों। तर आप लोग देख सकते हो मैंने 1500 डायमंड यहाँ पे खर्च कर दिए और 1500 डायमंड में मुझे सिर्फ 3 ही एग टोकन मिले हैं। यार देख रहे हो आप लोग कितना टट्टी इवेंट है, मतलब कितना बुरा इवेंट है, यहाँ पर डायमंड भर भर के खा रहा है। एंड मैंने कई लोगों की वीडियो देखी, उन्होंने 4000 डायमंड खर्च कर दिए हैं एंड एक एक अंडे की कमी है, फिर भी यार कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे डायमंड लगाता रहूँगा एंड निकालने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा इस बंडल को। और यार आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना कि आपके यहाँ पे कितने डायमंड खर्च हो चुके हैं और कितने एग टोकन आपने निकाले हैं, और साथ में ये बताना अगर आपका कोबरा बंडल निकल चुका है तो कितने डायमंड आपके खा चुका है। तो गाइस उम्मीद करूँगा आप लोग यहाँ तक अच्छे से समझ में आ चुकी होगी ये वीडियो, एंड अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो क्या कर रहे हो मेरे यार, जल्दी से वीडियो को लाइक करो। और आपने प्रीवियस 3 वीडियोज़ को बहुत ही अच्छा सपोर्ट किया है, ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, आपको ऐसे ही सपोर्ट चाहिए मुझे, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।